सारे स्टूडेंट जिन्हां दी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, बायोमेट्रिक होए हुए ने, दोबारा रीलॉज कर लो 15 मई तक एप्लीकेशन। सारे वो स्टूडेंट जिन्हां दी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, 15 मई तक का टाइम है, इनू तुसी आखिरी मौका कह लो, इनू अपने वास्ते गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 15 मई तक वो एप्लीकेशन कंसीडर होएगी जिहदी कंप्लीट है, कंप्लीट इनकलूडिंग बायोमैट्रिक। बायोमैट्रिक होणगे ते एप्लीकेशन दा डिसीजन आंदा है। जिहड़े स्टूडेंट ने पहली बारी अप्लाई करना, अप्लाई कर दो, क्यू च लग जाओ। हो सकदा सितंबर च वारी ना आवे, बट जनवरी वास्ते वारी आ जाए, नवंबर वास्ते वारी आ। पासपोर्ट कलैक्शन नहीं जा सकती, उन्होंने पैनिक करने की लोड़ नहीं है। जदों दिल्ली दे विच करफ्यू लिफ्ट होएगा उदों तुहाडे पासपोर्ट कलैक्ट हो जाएंगे, जे तुसीं फीस भी भरी हुई ते। सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, उम्मीद करदा तुसीं सारिआं ने चढ़दी कला च हो गए, तंदुरुस्त हो गए अपने परिवारक मैंबरां। एक बड़ी क्विक जी इनफॉर्मेशन देने वास्ते तुहाडे सारिआं दे रूबरू होया, 15 मई एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन कैनेडियन इमीग्रेशन या कैनेडियन स्टूडेंट वीज़ा जिहड़े अप्लाई करके इत्थों इस साल च जाना चाहते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट वालों एक अनाउंसमेंट की गई जिस च कहा गया फॉल इनटेक वास्ते उही फाइलां कंसिडर होणगियां जिहड़ियां 15 मई तक लॉग इन होणगियां। मैं दस देना चाहुंदा कि जिहड़ी आ 15 मई की डेट है, ये बहुत ही एक प्लान तरीके दे नाल सामने आई है। किस तरीके दे नाल अगे डॉट्स आपां जोड़दे आ रहे, पहले इनू अप्लाई करन दी डेट 1 अगस्त हुंदी सी, जिहड़े भी स्टूडेंट सितंबर इनटेक वास्ते अप्लाई करदे सी, हुण उही वाली डेट जिहड़ी है उन्होंने हटा करके 15 मई कर दी। ओंटारियो दे विच लॉकडाउन चल रहा है कि ओटवा जिहड़ा कि ओंटारियो दे विच एक शहर है, उत्थे एक पोस्ट है जिथों मेजोरिटी वीज़ा दे जिहड़े आ डिसीजन सब लॉकडाउन लगा है, लोकी घरों काम कर रहे हैं। अज होर काफ़ी सीरीज ऑफ इनफॉर्मेशन है, वो जिदा जिदा मैं अगे चलागा तुहानू दसदी जाएगी, बट जिहड़े कैनेडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ये उन्होंने वास्ते बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन है। ओंटारियो दे विच लॉकडाउन लगा, हर कोई बंदा वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, चल रहा प्रोसैस जिते बहुत तेजी आ गई सी, हूँ दोबारा फिर प्रोसैस स्लो डाउन हो गया। उन्होंने ये चीज़ कहती कि भी जिदे एप्लीकेशन 15 मई तक कंप्लीट एप्लीकेशन इनकलूड द बायोमैट्रिक एज वेल, तुहाडे बायोमैट्रिक होए, मैडिकल होया, तुहाडे गोआल्स है, अकैडमिक्स है, LOA है, तुहाडी कंप्लीट एप्लीकेशन है, तुसीं फॉल वास्ते अगे चले जाओगे। नाउ इहदा मतलब की होया, इहदा मतलब यह होया कि भी जेकर तुहाडी एप्लीकेशन पहले अप्लाई की है और रिफ्यूज़ होया, इशारा समझने की जरूरत है कि वह सारे स्टूडेंट जिन्हां दी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, बायोमैट्रिक होए हुए ने, दोबारा रीलॉज कर लो 15 मई तक एप्लीकेशन। सारे वो स्टूडेंट जिन्हां दी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है, 15 मई तक का टाइम है, इनू तुसी आखिरी मौका कह लो, इनू अपने वास्ते गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह लो, क्योंकि अंडरस्टैंड करो वो तुहानू खुल के नहीं कहणगे आ जाओ भी सारे, इशारा समझन की जरूरत है। दूसरे बन्ने जेकर आप कही लिखे कि 15 मई तक वो एप्लीकेशन कंसीडर होएगी जिहदी कंप्लीट है, कंप्लीट इनकलूडिंग बायोमैट्रिक। बायोमैट्रिक होणगे ते एप्लीकेशन का डिसीजन आता है, सो दैट मीन जिहड़ियां एप्लीकेशन रिजेक्ट है सारे इनविटेशन मिल रहा है इनडायरैक्टली, सो समझन की जरूरत है। दूसरा, जिहड़े स्टूडेंट ने पहली बारी अप्लाई करना, अप्लाई कर दो, क्यू च लग जाओ। हो सकता है सितंबर च वारी ना आवे, बट जनवरी वास्ते वारी आ जाए, नवंबर वास्ते वारी आ जाए, बट क्यू च लगना हुण जरूरी है। दो दिन बीते ए वाली अनाउंसमेंट दे, हुण अगे डॉट कनेक्ट करते रहना। दो दिन बीते सारी इनफॉर्मेशन दे, अगे इनफॉर्मेशन आती है बायोमैट्रिक बंद कर दिते गए ने, करंटली सस्पेंड किए हैं टिल फरदर नोटिस, क्योंकि इंडिया के कोविड के हालातों को देखते हुए। तीन दिन पहले इनफॉर्मेशन आती है कि 15 मई तक कंप्लीट एप्लीकेशन जिहड़े सबमिट कराएंगे सितंबर वास्ते कंसीडर होएगी। नाल ही अगे सीरीज ऑफ ईवेंट आ जाता है कि जी अपना बायोमैट्रिक असी बंद कर रहे हैं टिल फरदर अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद जो आता है जिन्हें पासपोर्ट कलैक्शन आई हुई है, पासपोर्ट कलैक्शन नहीं जा सकती, उन्होंने पैनिक करने की लोड़ नहीं है। जदों दिल्ली के करफ्यू लिफ्ट होएगा उदों तुहाडे पासपोर्ट कलैक्ट हो जाएंगे, जे तुसीं फीस भी भरी हुई है। क्योंकि फिर इन्होंने आराम नाल बैठ के सोचा कि यार सारे डॉट कनेक्ट होंगे पे A to Z, कि दैट मीनस जिहड़ियां एप्लीकेशन पिछे सिस्टम ने रिजेक्ट करतियां सी, AIP आया, AIP तो बाद रिजेक्ट होगी, ये वो सारे स्टूडेंट वास्ते एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। सो जिहड़े भी स्टूडेंट की एप्लीकेशन रिजेक्टेड है और को बायोमैट्रिक हो रहे हुए और को मेडिकल है, अपने डॉक्यूमेंट्स है, अज ही अपने डॉक्यूमेंट चक के ESS ग्लोबल दे अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़,
दोबारा बोलता, अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़, सिर्फ ये चार ब्रांचा च अगले 10 दिन च एप्लीकेशन असी लवेंगे कि जिहड़े एप्लीकेशन रिजेक्ट है। वो इस करके ब्रांचा का नाम दिता है क्योंकि जी अज जेकर इतने एप्लीकेशन दोगे 48 घंटे के अंदर अंदर असी एप्लीकेशन लॉग इन करनी है क्योंकि 15 मई डेट है साढ़े वालों, असी 12-13 तारीख में सारी एप्लीकेशन लॉन्च करके फ्री होना। सो ये कड़ियाँ जोड़न की जरूरत है। मैं 2 दिन तो यही इनफॉर्मेशन देनी चाह रहा सी, बट मैं पता नहीं क्यों लग रहा सी कोई ना कोई हो रहेगा, कोई ना कोई हो रहेगा। सो ये सारिया अच्छ कड़ियाँ जुड़ रही। सो बेसिकली जिन्होंने फ्रैश एप्लीकेशन है, जिन्होंने पहली बार अप्लाई करना, बड़े लोगों के इतने आयल्स का रिजल्ट नहीं आया, 12वीं का रिजल्ट नहीं आया, ग्रैजुएशन का रिजल्ट नहीं आया। सो 2021 नहीं हूँ 2022 जाएंगे। एक चीज़ सारे जने समझ लो, कैनेडा जाना है। अज मैं कैनेडा जाने का विचार मेरे दिमाग च आया तो अपने दिमाग में पहले समझा दो अगले साल जावांगा। एक साल का हूँ साइकिल बन जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत है। बहुत किस्मत वाले हो गए 9-10 महीने तो पहले, जिदन ख्याल आया और तो लै करके वीज़ा लगन तक 9-10 महीने तो पहले पहले काम हो जाएगा। तो जिन्ना दी एप्लीकेशन बायोमेट्रिक होए, मेडिकल होए, पिक अप योर डॉक्यूमेंट्स एंड मेक योर वे टू द ESS ऑफिस। अपने डॉक्यूमेंट चको ESS ग्लोबल दे ऑफिस जाओ ते 2-3 दिन के अंदर अंदर अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी च रजिस्टर कराओ 15 मई तो पहले पहले, ता जो फॉल इनटेक वास्ते कंसिडर हो सके। एक मेरे दोस्त है, उन्होंने एक पोस्ट पाई बड़ी वधिया, मैंने हुणे देखी, नीम हकीम खतराए जान। एरे विच ना सीरीज ऑफ इवेंट दे विच एक उत्थे पोस्ट आई जस्टिन ट्रूडो दे ट्विटर पेज ते कि दैट इज़ कि वी आर इनक्रीजिंग द स्टूडेंट, वी आर डबलिंग द स्टूडेंट ग्रांट्स। उन्होंने एक साडी इंडस्ट्री दे कुछ अनपढ़ लोग है, उन्होंने स्टूडेंट ग्रांट नूं स्टूडेंट वीज़ियां नूं समझ लिया कि बल्ले बल्ले लाटरी होगी। ट्रूडो साहब ने तो जी नंबर कहते ही डबल स्टूडेंट वीजे बदांगे, उत्ते वर्ड स्टूडेंट वीज़ा नहीं यूज़ किया, स्टूडेंट ग्रांट्स यूज़ किया। और स्टूडेंट ग्रांट और कनेडियन स्टूडेंट्स, कनेडियन जिहड़े गए परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन जिहड़े उत्थे रहिंदे है, जिहड़े कि वह कनेडियन ग्रांट्स के उत्ते जाके पढ़ाई करते हैं, इन्हां नूं डबल करन दी गल करदे पे कि ता जो पैंडमिक करके उत्थे जिहड़ियां नौकरियां दी घाट हुई है, जिहड़े अपना करियर सैकेंड करियर चूज करना चाहुंदे ने, इह उहनां नूं ग्रांट्स वधाउण दी गल कीती गई है। कहिंदे ना लिटल नॉलेज इज एक्चुअली डेंजरस और लिटल इनफॉर्मेशन इज ऑलसो डेंजरस। एनीवेज नंबर स्टूडेंट वीज़ा का कोटा नहीं उन्होंने किया, और जिदन स्टूडेंट वीज़ा का कोटा डबल करना पैया ना, उदन जस्टिन ट्रूडो ट्वीट नहीं करेंगे, उदन IRCC दे उत्ते पेज तो ट्वीट होएगा, इमीग्रेशन मिनिस्टर दे उर तो पेज तो ट्वीट होएगा। हर किसी का एक अपना कह लो ना एक सिस्टम है, एनो सिस्टम छी रह के काम किया। एक कनेडियन ग्रांट्स, कनेडियन स्टूडेंट की ग्रांट्स की गल की जा रही है। एनीवेज सो हुण जिहड़े स्टूडेंट 15 मई तो पहले पहले अपनी एप्लीकेशन जेकर लॉन्च करोगे तो फॉल वास्ते तुहाडी कंसिडर होएगी, और जेकर तुहाडी 15 मई तो बाद भी अप्लाई होने नहीं बंद होंदे, 15 मई तो बाद जिहड़े अप्लाई होणगे वह फॉल नहीं अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, और जनवरी वास्ते तुहाडे कंसिडर होणगे। सो जेकर तुसीं भी एप्लीकेशन अपनी हिम्मत हार चुके सी, ओहो यार दोबारा नहीं अप्लाई करना यार, बड़ी बारी रिफ्यूज आया, चाहे मैं ना 50 बार रिफ्यूज आया, इस मौके पर अप्लाई करना बनता है, चांस लेना बनता है। और आज भी जिदा अपने इतने के हालात चलते पे है, और बारे असं बाद गल करा, जो इतों के हालात चलते पे है, चांस नहीं लेना बनता, अप्लाई करना बनता है, खड़े होना बनता है अपने वास्ते। सो डॉक्यूमेंट चको एंड अप्लाई करो। थैंक यू वेरी मच जी, सत श्री अकाल।